स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव में बनाना। इसके पहले पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्टिव से पैसिव हम लोग कैसे बदलते हैं। अभी तक हम लोगों ने दो क्लासेज इसके लिए कर लिए हैं, जिसमें मैंने पहले में आप लोगों को बताया था कि एक्टिव और पैसिव का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वॉइस क्या होता है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड सेंटेंस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सेंटेंसेस कैसे लिखे जाते हैं, एक्टिव और पैसिव सेंटेंसेस को हिंदी या इंग्लिश में पहचाना कैसे जाता है। देन उसके बाद अगले क्लास में हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से हम लोग एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में बदलते हैं। आगे चल के हम ये भी सीखेंगे कि पैसिव को एक्टिव में कैसे बदला जाए। तो हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में बेसिक डिफरेंस क्या होता है उसको समझते हैं। अगर वो समझ जाएंगे तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव में बदलना बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए, एक असर्टिव सेंटेंस की बनावट होती है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसका हमें सेंटेंस की बनावट से कोई लेना देना नहीं होता है। तो जो सबसे बेसिक काम होता है क्वेश्चन बनाने का, वो होता है कि हेल्पिंग वर्ब को आप सेंटेंस में बाहर लिख दीजिए। ठीक है, जब आप हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले लगा देते हैं तो वो सेंटेंस क्या बन जाता है? इंटरोगेटिव बन जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेज होते तीन तरीके के हैं, लेकिन मेनली हम लोग दो तरीके के सेंटेंसेज की चर्चा करेंगे। पहला यस नो क्वेश्चन और दूसरा WH क्वेश्चन। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो फिर आपका काम आसान हो जाएगा। यस नो क्वेश्चन में हम लोग सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिख देते हैं, जैसा कि हम लोग इसको यहां लिख देंगे, और WH क्वेश्चन में हम लोग एक WH वर्ड यहां पे अलग से लगा देंगे। ये WH वर्ड अलग अलग हो सकते हैं, व्हाट, हु, हुम, व्हाई, हूज, व्हेन, वेयर। तो अलग अलग WH वर्ड अलग अलग इन्फॉर्मेशन पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे जब WH क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। उसके पहले आप ये समझिए कि नॉर्मल अगर क्वेश्चन होगा तो यस नो होगा, जिसमें हेल्पिंग वर्ब्स कहाँ लिखे जाएंगे? सब्जेक्ट के पहले। जैसे मान लीजिए मैंने कहा, मैंने आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछा, आर यू टीचिंग इंग्लिश, आर यू टीचिंग इंग्लिश, तो आंसर देने वाला कैसे आंसर देगा? यस या नो, इससे ज्यादा उसको बोलने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वो आंसर दो तरीके से दे सकता है, केवल यस या नो बोल के, या फिर शॉर्ट आंसर दे सकता है, यस आई एम, यस आई एम, या आप ऐसे लिखिए यस आई एम, या नो आई एम नॉट। ये तो रही बात नॉर्मल आंसर देने की, इसका मतलब ये कि जिस क्वेश्चन को हम लोग केवल यस या नो में या शॉर्ट आंसर में आंसर दे सकते हैं वो यस नो क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को अगर हम लोग पैसिव में बदलना चाहें तो कैसे बदलेंगे? तो आप लोगों को स्ट्रक्चर सिर्फ एक्टिव वाला याद रखना है, पैसिव वाला, सॉरी, आपको सिर्फ असर्टिव का स्ट्रक्चर याद रखना है। इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर अगर आपको याद नहीं है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करेंगे, जैसे आपको हेल्पिंग वर्ब शुरू में मिला हुआ है और असर्टिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की जगह होती कहां पर है? मेन वर्ब के पहले। तो आप एक स्टेप एक्स्ट्रा चलिए, स्ट्रक्चर वाइज मैं आपको बता दूंगा, अभी जस्ट स्ट्रक्चर वाइज बता दूंगा, लेकिन आप एक स्टेप एक्स्ट्रा चलिए, आप इसको वापस लेके चली जाइए वहीं पे जहां इसकी वास्तविक जगह है, और जब आप बना लेंगे तो फिर हेल्पिंग वर्ब को वापस निकाल लेंगे। ठीक वैसे ही सपोज करिए कि किसी व्यक्ति ने आपसे 100 रुपये उधार लिए, फिर उसने उसको आपको वापस दे दिए, तो हम क्या करेंगे, इस हेल्पिंग वर्ब को हम लोग उसके ओरिजिनल प्लेस पर लिखेंगे जहां इसका ओरिजिनल प्लेस होता है, और जब हम पैसिव में बदल लेंगे तो फिर जो हमें हेल्पिंग वर्ब वहां मिलेगा, बदला हुआ हेल्पिंग वर्ब मिले या वही मिले, उठा के उसको वापस लिख देंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, आर यू टीचिंग इंग्लिश में हम लोग इसके पोजिशन को चेंज करेंगे और यहां पर रख देंगे यू आर। ये मात्र एक रफ वर्क है, जैसे आपको मैथमेटिक्स में क्वेश्चन मिलते हैं तो आप जो एक्स्ट्रा रफ वर्क करते हैं वो रफ वर्क कहां करते हैं? साइड में। आप इसको साइड में कर सकते हैं और उसके बाद जो आंसर मिलता है आप उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, अब जरा एक बात बताइए, जैसा कि आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि आपके पास सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया, क्या करेंगे आप? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लेके जाएंगे। तो करिए, इंग्लिश यहां चलाएगा, इसके बाद ये चलाएगा बाई यू। अब देखिए, यू के साथ तो आपने आर लगाया था, क्या इंग्लिश के साथ भी आर लगेगा? नो। तो आर नीचे उतरेगा और किस में चेंज हो जाएगा? इज में। ये मेन वर्ब का कौन सा रूप है? बी फोर।
यस, इमेन वर्ब का कौन सा रूप है? बी फोर। हमने पढ़ा है बी फोर को बींग प्लस बी थ्री में चेंज कर देंगे, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको पांचों रूप को अलग अलग बताया था। तो देखिए, टीचिंग हो जाएगा बींग और टीच हो जाएगा टॉट। तो इस तरीके से आपने सेंटेंस बना लिया। अब आपको वही करना है, आपने आर को अंदर भेजा था ना, आर के बदले आपको क्या मिला? इज मिला। इसको बाहर निकाल दीजिए, यहां लिख दीजिए इज और यहां से इज को कैंसिल कर दीजिए, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा। अब सेंटेंस क्या हो गया? इज इंग्लिश बीइंग टॉट बाय यू। यानी अगर आपका सवाल था आर यू टीचिंग इंग्लिश, तो आपने उसको पहले आर को अंदर ले लिया, असर्टिव में बदल दिया। अब असर्टिव में बदलने के बाद आपने क्या किया? उसको नॉर्मली बना दिया पैसिव में और फिर हेल्पिंग वर्ब को वापस लिख दिया। आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते थे। देखिए डायरेक्ट कैसे बनाते। देखिए मैं इसको डायरेक्ट बना के दिखाता हूं। हमने क्या किया था? आर लिखा था पहले, ठीक है। तो रूल ये कहता है कि सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह आपस में बदली जाती है, या यूं कहिए, एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए कि बहुत सारे ऐसे सेंटेंस मिलेंगे जिसमें सब्जेक्ट होते ही नहीं है। तो एक चीज दिमाग में रखिए कि हमेशा जो ऑब्जेक्ट है वो वर्ब के आगे आ जाएगा। मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्लास में यही बताया था ना कॉन्सेप्ट, कि जब सेंटेंस एक्टिव में होता है तो सब्जेक्ट वर्ब के पहले लिखे जाते हैं, लेकिन जब सेंटेंस पैसिव में होता है तो ऑब्जेक्ट वर्ब के पहले लिखे जाते हैं। तो एक काम हमेशा याद रखिएगा, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब को क्रॉस करके आगे आ जाएगा, तभी पैसिव होता है, ठीक है। सब्जेक्ट नहीं होगा तो उधर हम कहां से लेके जाएंगे? बहुत सारे ऐसे सेंटेंस मिलेंगे जिसमें आपको सब्जेक्ट होगा ही नहीं, तो फिर सब्जेक्ट वहां लेके कैसे जाएंगे? इसलिए ये बात हमेशा याद रखिए कि पैसिव जब बनाएंगे तो ये दो चीजें तो पक्का होंगी, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जब होगा तो वर्ब के पहले चलाएगा, लेकिन कुछ ऐसे भी वाक्य मिलेंगे जहां पे सब्जेक्ट भी नहीं होगा और ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा, फिर भी बनाना पड़ेगा। वहां अंडरस्टूड होती हैं चीजें, वहां सब्जेक्ट भी अंडरस्टूड होता है और ऑब्जेक्ट भी अंडरस्टूड होता है, तो वो आगे चल के हम लोग सीखेंगे। तो वर्ब देखिए, ऑब्जेक्ट इधर है, हमेशा वर्ब जो है वो ऑब्जेक्ट को, सॉरी, वर्ब को ऑब्जेक्ट जो है वो क्रॉस करके आगे चलाएगा। तो यू और इंग्लिश, हमारा हेल्पिंग वर्ब शुरू में है ना, हम लोग पहले क्या करेंगे? इंग्लिश को उठा के लेके चलेंगे यहां पे, और यू जो है वो यहां पे चलाएगा बाय यू। मेन वर्ब जो है हमारा जिस भी फॉर्म में हो उस फॉर्म के हिसाब से चलाएगा। टीचिंग हो जाएगा क्या? बीइंग टॉट। अब देखिए ये, सॉरी, इधर आर किसके अनुसार था? यू के अनुसार। अब नीचे उतरेगा तो किसके अनुसार हो जाएगा? यस, तो ये हो जाएगा इज। क्यों? क्योंकि इसको अब इंग्लिश के साथ लगना है। तो हम लोग डायरेक्टली भी बना सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब अंदर रहेगा तो अंदर उतारेंगे, बाहर रहेगा तो बाहर उतारेंगे। अगर अंदर नहीं है तो आपका मेन, सॉरी, ये बीच में मेन वर्ब होगा, ये आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर मेन वर्ब, दो भागों में। उसके बाद आपको दिक्कत कहां होती है? दिक्कत होती है प्रेजेंट और पास्ट सिंपल वाले सेंटेंसेज में, जिसमें हेल्पिंग वर्ब अगर होता है तो डू डज डिड, लेकिन जब सेंटेंस में चेंज करते हैं तो डू डज डिड इज एम आर वाज वर्ब में चेंज हो जाता है। आइए उसको करके देखते हैं। पहले मैं आप लोगों को एक इसका बेसिक स्ट्रक्चर समझा दूं। तो हेल्पिंग वर्ब, तो शुरू में अगर होगा आपका हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद होगा सब्जेक्ट, तो करना क्या है जी? करना यह है कि आप इसको लेके चले जाइए यहां, इसको लेके चले जाइए यहां, ये उतर जाएगा यहीं पे, और ये भाई साहब उतर के दो भागों में। तो देखिए, हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह पर, ऑब्जेक्ट यहां पर, सब्जेक्ट यहां बाई प्लस एजेंट, और मेन वर्ब जो होगा वो बी प्लस वी थ्री में चेंज हो जाएगा। बी प्लस वी थ्री का मतलब यहां जो वर्ब होगा वो वी थ्री में, और जिस फॉर्म में ये होगा बी वर्ब, उस फॉर्म में आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना है कि यहां पे जो हेल्पिंग वर्ब है ये सब्जेक्ट के अनुसार और यहां पे इसके अनुसार लगाया जाएगा। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। लेकिन मैंने आप लोगों को काम आसान करने के लिए एक तरीका सिखाया कि आप हेल्पिंग वर्ब को अंदर लेके चले जाइए, असर्टिव, चूंकि आप एक असर्टिव का स्ट्रक्चर याद रखते हैं दिमाग में, तो बाकी कोई स्ट्रक्चर याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। केवल ये समझिए कि आपको सेंटेंस में जो वर्ड्स हैं वो असर्टिव में कैसे अरेंज किए गए होते हैं और इंटरोगेटिव में कैसे अरेंज किए गए होते हैं। गेटिंग? ओके, चलिए। अब देखिए नंबर, आपको दिक्कत कहां होती है? दिक्कत होती है डू डज डिड वाले सेंटेंसेस में। जब आपका सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू डज कंटेन करके रखता है तो आपको इसको चेंज करना होता है इज एम आर में। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है, तो मैं इसको अभी
एग्जांपल देके बता दूंगा। और अगले नंबर पर आता है डिड, जिसको हम लोग चेंज कर देते हैं वाज और वर में। तो देखिए क्यों चेंज होता है ये, इसके पीछे रीजन है, इसका बेसिक लॉजिक है, मैं इसको मिटाता हूं। आप समझ गए होंगे कि जब हेल्पिंग वर्ब बाहर होगा तो बाहर लिखेंगे और अंदर होगा तो अंदर लिखेंगे, इसलिए हम लोग इसको अंदर लेके चले जाते हैं। बनाने के बाद एक स्टेप एक्स्ट्रा चलना है, आपका काम आसान हो जाता है, तो बनाने के बाद इसको वापस लेके आते हैं। तो डू डज डिड को अगर आपको प्रूव करना है तो आपको देखिए अंदर लेके जाना ही पड़ेगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, डू यू टीच इंग्लिश, किसी ने सवाल पूछा डू यू टीच इंग्लिश और इसका पैसिव बनाने के लिए कहा, तो डायरेक्टली भी हम बना सकते हैं। मैं एक डायरेक्ट आंसर पहले दिखा देता हूं आप लोगों को, देन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे ये चेंज हो जाता है। तो ये यू आपका और इंग्लिश आपस में जगह को इंटरचेंज कर लेंगे और ये हो जाएगा बाई यू। टीच वर्ब का कौन सा फॉर्म है, वी वन। वी वन किस में टूट जाता है, इज एम आर प्लस वी थ्री में। तो एक चीज दिमाग में रखना है कि जब आपका डू या डज या डिड शुरू में होगा तो इसको डायरेक्टली वी थ्री में चेंज कर देंगे, किसमें चेंज कर देंगे वी थ्री में। तो यहां लिखेंगे डायरेक्टली टॉट, यस। और ये जो डू है वो इसके अकॉर्डिंग इज एम आर में चेंज हो जाएगा, तो इंग्लिश के साथ क्या लगता है इज, इज में चेंज हो जाएगा। तो अगर यहां वी वन होगा तो डायरेक्ट वी थ्री में, वी टू होगा तो भी डायरेक्ट वी थ्री में, और वी फाइव होगा तो भी डायरेक्ट वी थ्री में। यानी कि अगर डू डज और डिड का प्रयोग किया गया हो और इसके साथ वी वन आया हो, क्या आया हो, तो इस वी वन को डायरेक्टली हम लोग किस में चेंज कर देते हैं वी थ्री में, और ये डू डज डिड इज एम आर और वाज वर में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। यानी अगर यहां पे डू डज डिड आया हो, यहां पे वी वन आया हो, तो वी वन डायरेक्टली वी थ्री में चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात, मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं वी वन हो, वी टू हो, वी थ्री हो, तो इसको हम लोग सॉरी वी फाइव हो तो इसको हम लोग डायरेक्टली वी थ्री में चेंज कर देते हैं, और यहां पे डू हो, डज हो या डिड हो, वो इज एम आर वाज वर में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब इसको हम लोग करके देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ठीक। चलिए, जैसा कि मैंने अभी आप लोग को बताया कि एक स्टेप एक्स्ट्रा चलिए, अगर किसी भी चीज को प्रूव करना हो तो एक स्टेप एक्स्ट्रा चलिए, और वो स्टेप क्या होगा, जब आप इस डू डज डिड को अंदर लेके जाते हैं, आपको पता है ना कि डू किसके लिए यूज होता है, वी वन के लिए, डज किसके लिए यूज होता है, वी फाइव के लिए। मैं यहां साइड में लिख देता हूं, डू यूज होता है वी वन के लिए, डज यूज होता है वी फाइव के लिए, और डिड किसके लिए यूज होता है, वी टू के लिए। यानी वी वन का हेल्पिंग वर्ब डू, वी फाइव का हेल्पिंग वर्ब डज, और वी टू का हेल्पिंग वर्ब डिड होता है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि डू डज डिड का प्रयोग होते ही सारे वर्ब्स वी वन फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, ठीक। इसका मतलब कि अगर सेंटेंस क्या रहा होगा, वी वन, तो उसके लिए हमने डू निकाला होगा, अगर सेंटेंस वी फाइव लिया होगा तो उसके लिए हमने डज निकाला होगा, और वी फाइव को किस में चेंज कर दिया होगा, वी वन में, और अगर सेंटेंस में मेन वर्ब वी टू रहा होगा तो उसके लिए हमने डिड निकाला होगा, वर्ब को किस में चेंज कर दिया होगा, वी वन में, ठीक। इसका मतलब यह है कि अगर यहां पे डू है और यहां पे क्या है वी वन, तो अगर हम इसको अंदर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। मैं आप लोगों को बस नॉर्मल एग्जांपल देता हूं कि आप इसको दो तरीके से लिखिए समझने के लिए। इसका एक्चुअल तरीका होगा यू टीच इंग्लिश, क्यों, क्योंकि जब सेंटेंस असर्टिव में होता है और अंदर वी वन होता है तो इसके साथ डू लगाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन कुछ बिगिनर्स के लिए, जो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसको ये समझ में नहीं आया कि डू अंदर गया तो गया कहाँ, तो उसको आप उतना मत सिखाइए, आप उसको नॉर्मली ऐसे समझिए, उसको कहिए कि भाई साहब ऐसा करिए, आप डू को अंदर लेके चले जाइए, जैसे नॉर्मल आप सारे हेल्पिंग वर्ब्स को क्या कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं। शुद्ध तरीका ऊपर वाला है, लेकिन उसको समझाने के लिए कहा जा रहा है कि इसको आप कहिए कि चलिए भाई ठीक है, आप यू डू टीच इंग्लिश लिख लीजिए, दोनों का आंसर फाइनली एक ही आना है, ठीक है। अब उसको ये समझाइए कि जब आप डू अंदर लिखते हैं तो सेंटेंस जो होता है ये डू उसके अंदर मर्ज हो जाता है, ये भी वी वन और ये भी वी वन मर्ज हो जाएगा, तब ये ऐसा दिखने लगेगा। अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी लिख के पैसिव में बदल सकते हैं, और ये एक्चुअल सेंटेंस तो आपका यही है। हम इंग्लिश को क्या करेंगे, यहाँ लेके आएंगे, यू को क्या करेंगे, यहाँ लेके आएंगे, और अभी मैंने आपको सिखाया क्या, डू डज डिड चेंज हो जाता है, डू किस में चेंज हो जाता है, इज एम आर में, तो बस इंग्लिश यहाँ आएगा ना, बिल्कुल इंग्लिश। डू किस में चेंज हो जाता है, इज एम आर में, इंग्लिश के साथ क्या लगाएंगे हम लोग, इज और टीच टॉट, और ये क्या हो जाता है, बाई मी। अब आपने अंदर इसको क्या दिया था, डू, और अब आप डू किस में चेंज हो चुका है,
इज में, तो इस इज को क्या करेंगे, बाहर निकाल के लिख देंगे। ये एक तरीका हो सकता है समझने का कि चलिए ठीक है आप डू डच को क्या करिए, अंदर लेके चले जाइए, उसको वैसे ही लिख दीजिए। डू को आपने किस में चेंज कर दिया, यस यू, सॉरी। तो हमने क्या किया, इज इंग्लिश, तो ये इज तो बाहर चला है, अब यहां से हट जाएगा। इज इंग्लिश टॉट बाई यू, ये डू आपने अंदर लिखा सिर्फ समझाने के लिए। और वास्तविक रूल क्या कहता है, वास्तविक रूल ये कहता है कि जब डू अंदर जाएगा तो ये गायब हो जाएगा, डू अंदर नहीं लिखा जाएगा। डू है तो V1 में, डू है तो V1 में, डज होगा तो वर्ब किस में चेंज हो जाएगा, V5 में, और डिड रहेगा तो वर्ब किस में चेंज हो जाएगा। ऐसे समझिए, V1 का हेल्पिंग वर्ब डू, और डू अंदर जाएगा तो गायब हो जाएगा, वर्ब V1 में हो जाएगा। V5 का हेल्पिंग वर्ब डज, और डज अंदर जाएगा तो वर्ब किस में चेंज हो जाएगा, V5 में। V2 का हेल्पिंग वर्ब डिड, और डिड अंदर जाएगा तो वर्ब किस में चेंज हो जाएगा, V2 में, सिंपली। तो देखिए डू के चलते ये वर्ब क्या हो गया, यस। तो अब बताइए इंग्लिश यहां आता है। अब आ जाइए वो रूल जो आपको पिछले क्लास में बताया गया था, V1 V5 किस में टूट जाते हैं, इज एम आर प्लस V3 में। इंग्लिश इज टॉट बाई यू। अब आप एक बात बताइए, आपने किसी को 100 रुपये का नोट उधार दिया है और उसने आपको 2 50-50 के नोट दे दिए, या 10 के 10-10 नोट दे दिए, 20 के 5-5 नोट दे दिए, क्या आप लेंगे नहीं वापस, वैल्यू तो उतनी ही है ना। तो उसने आपको क्या दिया था, डू दिया था, आप उसको क्या दे रहे हैं, इज। अब ये इज कहाँ चलाएगा, और यहाँ से ये गायब हो जाएगा। अब आप उसको ये बता सकते हैं कि मैंने प्रूफ कर दिया कि डू या डज या डिड क्यों चेंज हो जाते हैं इज एम आर और वाज वर में, ठीक है। तो अभी तो हमने सिर्फ डू को किया, प्रूव किया ना कि डू हमने किस में चेंज कर दिया, इज में। कैसे चेंज किया, जब डू अंदर गया तो टीच क्या हो गया, V1, और V1 किस में टूट जाता है, इज एम आर प्लस V3 में। तो आप इसको एज अ रूल भी याद रख सकते हैं कि भाई हमारा हेल्पिंग वर्ब शुरू में रहेगा तो वहीं पे उतर जाएगा, अगर हेल्पिंग वर्ब की जगह डू या डज रहेगा तो इज एम आर में बदल जाएगा, और डिड रहेगा तो ये तो रटने वाली बात हो गई। आप रट के अगर याद कर सकते हैं तो ये वाला सिस्टम याद रखिए, और अगर आप बिना रटे बनाना चाहते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को अंदर लेके जाइए और फिर बनाइए, ये पैटर्न हमेशा आपको क्या रहेगा, याद रहेगा। चलिए अब अगर डू की जगह डिड होता, क्या होता, डिड होता, डिड यू टीच इंग्लिश, निश्चित है कि डू रहे या डिड रहे, डिड रहे या डज रहे, वर्ब हमेशा किसमें होगा, V1 में। तो दूसरा एक जो हमने इजी वाला तरीका अपनाया था पहले, वो वाला तरीका करके देखते हैं कि यू हमने आगे कर लिया, या पहले हम लोग इसको डायरेक्ट बना के देखते हैं, डिड को किसमें चेंज कर देते हैं, वाज या वर में, इंग्लिश यहां आएगा, और डिड किस में चेंज हो जाएगा, वाज या वर, तो इंग्लिश के साथ क्या लगाएंगे, जब हमने इसके साथ इज लगाया था तो इसके साथ वाज लगाएंगे। अब क्या टीच क्या हो जाएगा, टॉट, हमने पढ़ा है कि जब हमारा डू डज डिड यहां रहेगा तो ये V1 डायरेक्टली V3 में चेंज हो जाएगा। अब यू जो है यहां पे आएगा तो क्या हो जाएगा, बाई यू। ये हो गया आपका एग्जैक्ट आंसर, डायरेक्ट बनाया हमने, डायरेक्ट मेथड, हमने असर्टिव में चेंज करने वाला मेथड नहीं, तो ये डायरेक्ट मेथड है कि डू रहेगा तो इज एम आर में भी, डज रहेगा तो भी इज एम आर में, और डिड रहेगा तो वाज वर में चेंज हो जाएगा। अब आपको ये प्रूव करना है कि ये वाज क्यों हो गया, हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं, देखिए इसको प्रूव करके दिखाता हूं मैं। डिड जब अंदर जाएगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, V2 में, हमने यहां पढ़ा था कि V2 रहता है तो हेल्पिंग वर्ब हम डिड निकालते हैं और V2 को V1 में बदल देते हैं, और डिड को जब वापस अंदर भेजते हैं तो वर्ब किस में चेंज हो जाता है, V2 में। अगर ये डिड अंदर वापस जाएगा तो सेंटेंस कुछ ऐसा दिखेगा, यू टॉट इंग्लिश, यू टॉट इंग्लिश। अब याद करिए इंग्लिश यहां आएगा, और ये V2 है ना, V2 किस में टूट जाता है, वाज वर प्लस V3, इंग्लिश वॉज टॉट बाई, यही है। अब हम अगेन क्या करेंगे, हमने उससे लिया था डिड, लेकिन हम उसको लौटा क्या रहे हैं, वॉज, यहां से वॉज को रिमूव कर देंगे। तो आपने डायरेक्ट बनाया तो भी ठीक, और अगर आपने इनडायरेक्ट बनाया यानी इसको अंदर ले जाके बनाया तो भी सेम, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ आपको डू डज डिड के साथ ही देखने को मिलेगा, ठीक है। हम लोग डू और ये कर लिए, अगर यहां पे सब्जेक्ट यू की जगह ही होता क्या होता, तो यहां पे डज लगा सकते थे। एक बार डज वाला एग्जांपल भी करके देख लेते हैं,
डज ही टीच इंग्लिश, तो डू की तरह इसके इसको भी हम लोग किस में चेंज करते हैं, इज एम आर में। तो इस डज को हम लोग किस में चेंज करेंगे, इज में, क्यों, क्योंकि इंग्लिश आएगा यहां पे, टीच डायरेक्टली किस में हो जाएगा, टॉट थर्ड फॉर्म, और ये जाएगा यहां पे बाय हिम। इसमें भी आप वही वाला फॉर्मूला लगाइए, जब आप डज अंदर भेजेंगे तो भर्ब किस में चेंज हो जाएगा, वी फाइव में। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि वी फाइव और वी वन दोनों किस में टूट जाते हैं, इज एम आर प्लस वी थ्री में, और इज फिर अगेन बाहर निकाल लेंगे। अब कोई दिक्कत, चलिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने पहले बात यस नो क्वेश्चन का पैसिव बनाना सीखा। तीन क्वेश्चन वर्ड्स छोड़ दिए जाए तो बाकी सारे क्वेश्चन वर्ड में आपको कुछ एक्स्ट्रा करना ही नहीं है, सेम यही स्टेप आपको फॉलो करना है, ठीक है। देखिए वो कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड्स हैं जिसे छोड़ना है, हु, हुम और व्हाट। इसके अलावा भी अगर आप चाहें तो दो और वर्ड्स को छोड़ सकते हैं, एंड दे आर हाउ मच एंड हाउ मेनी, हाउ मच और हाउ मेनी। अब इसके पीछे लॉजिक है, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए हम लोग जब एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं सेंटेंसेस को तो क्या करते हैं, सब्जेक्ट को उधर और ऑब्जेक्ट को इधर लेके आते हैं। तो देखिए हु किसको रिप्रेजेंट करता है, सब्जेक्ट को। इसका मतलब जब आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा ही नहीं, जब सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा ही नहीं तो उस समय क्या होगा, ध्यान से सुनिए। जब आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है तो ना लेके जाते हैं, लेकिन जब आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होगा तो क्या करते हैं हम लोग, हु लगाते हैं। अब आप खुद सोचिए कि जब सेंटेंस में हु से क्वेश्चन पूछा जाएगा और सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा ही नहीं तो लेके क्या जाएंगे, यहां पे दिक्कत आएगी। हुम क्या होता है आपका, लिविंग ऑब्जेक्ट होता है ना, लिविंग ऑब्जेक्ट। और व्हाट क्या होता है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। जैसे आई एम टीचिंग यू, तो हु इज टीचिंग यू, आई, एंड आई एम टीचिंग हुम, मैं किसे पढ़ा रहा हूं, यस। अब आई एम टीचिंग हुम करेक्ट सेंटेंस नहीं है, मैं भी समझाने के लिए आप लोगों से पूछ रहा था। अब देखिए हाउ मच और हाउ मेनी जो होते हैं ये भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह यूज किए जाते हैं, ये भी किसकी तरह यूज किए जाते हैं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह। जैसे मान लीजिए मैंने कहा हु इज प्लेइंग क्रिकेट, हु इज प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट कौन खेल रहा है, आप ये भी तो पूछ सकते हैं ना, हाउ मेनी बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। मैं ये कह सकता हूँ ना, व्हाट डिड यू बाई, तुमने क्या खरीदा, मैं ये कह सकता हूँ ना, हाउ मच सुगर डिड यू बाई, समझ में आई बात। तो आप हाउ मच और हाउ मेनी के साथ नाउन जोड़ के क्या करते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह ही यूज करते हैं, ठीक है। तो ये भी हु और हुम और व्हाट की तरह ही एक्ट करेगा, इसकी तरह एक्ट करेगा, हु हुम और व्हाट की तरह। तो एक्चुअली मैंने इसको अलग कैटेगरी में इसलिए लिखा क्योंकि इनके रहने पर सेंटेंस की बनावट में असर पड़ता है, क्यों, क्योंकि या तो अगर ये रहेगा इससे क्वेश्चन होगा तो सब्जेक्ट गायब रहेगा, अगर इन दोनों में से किसी से क्वेश्चन होगा तो ऑब्जेक्ट गायब रहेगा। तो जब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से कोई भी एक गायब रहेगा तो लेके आएंगे क्या या लेके जाएंगे क्या, हाउ मच हाउ मेनी के साथ भी वही कंडीशन है। तो इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं, इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं, कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड्स, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, हाउ मच और हाउ मेनी छोड़ के बाकी सारा, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, हाउ ऑफन, जो टाइम बता रहे हैं, प्लेस बता रहे हैं, ड्यूरेशन बता रहे हैं, लेंथ बता रहे हैं, कोई भी चीज बता रहे हैं एक्सेप्ट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ऐसा कोई भी क्वेश्चन वर्ड जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को न बताता हो, बाकी कुछ भी पूछता हो, उस क्वेश्चन वर्ड से जब आप सेंटेंस यहां पर क्रिएट करते हैं। जैसे देखिए डज ही टीच इंग्लिश, तो मैं ये पूछ सकता हूं ना, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, इनमें से किसी भी क्वेश्चन वर्ड से अगर आप सेंटेंस पूछते हैं तो आपको एज इट इज वही उतार देना, बाकी कुछ इसमें करना ही नहीं। जो क्वेश्चन वर्ड था आपने यस नो क्वेश्चन बनाया ना, तो डब्ल्यू एच वर्ड जहां था बस वहीं का वहीं उतार देना, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। मैं एक या दो एग्जांपल करा देता हूं आप लोगों को, अब जरा गौर करिए, आपने डज वाला बनाया ना, डज वाला बनाया, आप डज वाला ही बनाइए, आप चुपचाप इसको जहां था वहीं का उतार दीजिए, ठीक। एग्जांपल देख लीजिए, डज ही टीच इंग्लिश का क्या था, डज को हमने किस में चेंज कर दिया था, इज में, इज इंग्लिश टॉट बाय हिम, यही था ना। तो आपको क्या करना है, वेन है तो यहां वेन उतार देंगे,
अगर यहाँ पे वेन की जगह वेयर होता तो वेयर उतार देते, वाई होता तो वाई उतार देते, यानी कि हु हुम और व्हाट छोड़ के और हाउ मच हाउ मेनी छोड़ दिया जाए, तो कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो आप यस नो क्वेश्चन को जैसे बना रहे थे बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे और डब्ल्यू एच वर्ड जहां था वहीं उतार देंगे। इतना समझ में आ गया आप लोगों? फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हु हुम व्हाट और हाउ मच हाउ मेनी से सेंटेंसेस बनाएंगे, उसके भी कुछ ट्रिक्स हैं समझने के लिए कि वर्ड्स के अरेंजमेंट को किस तरीके से चेंज करेंगे कि आसानी से आप उसको भी बना पाएंगे, उसको बनाएंगे हम लोग। देन उसके बाद हम लोग इंपेरेटिव, लेट, बहुत प्रकार के अलग अलग हैं एक्टिव और पैसिव बनाने के लिए, उसके ऊपर हम लोग वर्क करेंगे। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना? ठीक है, चलिए, थैंक यू इतने के लिए।